Hello student, I am Sweta Parmar from St. Thomas School, Surat, Standard 10th, Subject Hindi, Poem number 7, Janmabhoomi. इनके कवि है सुमित्रा नंदन पंत, जन्म सन 1900, अवसान सन 1977। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943-44 ईसा में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के सलाहकार पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ चित्रारक कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारिभाषिक समिति से और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत युगवाणी, मधुद्वार, ग्राम्या, युगपथ, कला और बुढ़ाचांद आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। तो जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरवगान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास प्रकृति महापुरुषों का वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुदेव कुटुंबकम की भावना साकार की है और यहाँ पे बताया कि पूरा विश्व जो है वो हमारा है। तो यहाँ पे उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है और पंत जी का अपनी मातृभूमि से विशेष लगाव है, इसलिए कविता में भी उन्होंने जन्मभूमि का महत्व बताते हुए इसका गौरवगान किया है। तो जन्मभूमि नामक जो हमारी कविता है उसमें कवि द्वारा अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया गया है कि भाई हमारी जन्मभूमि भारत माता है। ये जैसे उसका बाल हिमालय है, उसकी सुनहरी धरती पर गंगा यमुना जैसी नदियां भी बहती है। इस धरती को राम लक्ष्मण और सीता ने पवित्र बनाया तथा कृष्ण ने बंसी बजाई। इस धरा पर सीता और राधा अवतरित हुई है तो यही शिला भी सचेत हो उठी है कि जैसे जब राम अहल्या जो है उसे उनके पति का उन्हें श्राप लगा था तो वो पत्थर बन गई, शिला यानी पत्थर बन गई। और फिर वापस जब राम उनको जब टच करते हैं तो वो शिला जैसे पत्थर में से वो वापस नारी बन जाती है। इसी जन्मभूमि पर ऋषि मुनि तप करते थे। इसकी विशाल नभ से सत्य की किरणें बरसती है। इस धरती का जीवन पुनः मंत्रोच्चारण करते हुए वसुदेव कुटुंबका का विकास करेगा क्योंकि यह धरती स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो उनको अपनी मातृभूमि से बहुत ही प्यार था, जन्मभूमि से, और वह जन्मभूमि उन्हें स्वर्ग से भी सुंदर लगती थी, इसका वर्णन यहाँ पे उन्होंने किया है। यहाँ पे कवि कहते हैं, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गाधिपति चिर गरियसी, जिसका गौरव बल हिमालय, स्वर्ग धरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रंथि
गंगा यमुना जल वह जन जन के हृदय में बसी। तो के स्वर्गाधिपति यानी कि स्वर्ग से भी सुंदर और जननी यानी माता चीर लंबे समय से और गयस यानी बढ़कर श्रेष्ठ बाल यानी कि हमारे जो सर पे माथे के ऊपर का नीचे का जो भाग है उसे बाल कहते हैं मस्तक और धरा यानी पृथ्वी। तो के श्यामल यानी हरी भरी और ज्योति ग्रंथि यानी ज्योतियों से गुथा हुआ। जन लोग जन यानी कि लोग और पद धूली यानी पैरों की धूली। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि वे अपनी जन्मभूमि का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमें अपनी जन्मभूमि माँ के समान ही प्रिय है। वह जन्मभूमि हमेशा से ही स्वर्ग से श्रेष्ठ रही है। इनके मस्तक पर हिमालय सुशोभित है जो उनका गौरव है बाल यानी कि गौरव है। इसके स्वर्णिम धरती हमेशा से हरी भरी रही है जो हस्ती हुई प्रतीत होती है। सूर्य की किरणों से चमकता गंगा और यमुना का जल ज्योति में गुथा हुआ प्रतीत होता है। ऐसी सुंदरता जन जन के मन में बसी हुई है हृदय में यानी कि हमारे मन में बसी हुई है। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद दुली पुनीता। जहां कृष्ण ने गाई गीता बजा अमर प्राणों में बंसी। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि ऐसी धरती है जिसे राम लक्ष्मण और सीता अपने चरणों की कुचली धूल से पवित्र बना गए। जहां कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और अपनी बंसी की मधुरता सुनाई। जिसके तान सुनकर हर एक के मन में वो अमर हो गई। जैसे हमें ऐसा लगता है कि अभी भी श्री कृष्ण हमारे पास है। सावित्री राधा सी नारी उतरी आपा देही प्यारी। शिला बनी तापस सुकुमारी जड़ता बनी चेतना सरसी। तो यहाँ पे कवि हमें कहते हैं कि इसी जन्मभूमि की पावन धरा पर सावित्री और राधा जैसी नारियां अवतरित हुई है जो अपनी सुंदरता और गुणों का भंडार होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ तपस्वी गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या श्राप के कारण पत्थर बन गई जो बाद में जड़ता त्याग कर पुनः चेसचेत हो गई जिससे प्रसन्नता फैल गई। इन विशेषताओं के कारण कवि को अपनी जन्मभूमि अत्यंत ही प्रिय है कि जो सावित्री जो है सावित्री जो यहाँ पे बताई गई है वो सावित्री कहते हैं कि वो सत्यवान की पत्नी थी। और सत्यवान वो व्यक्ति है जब वो मर जाता है तो यमराज के पास से वो सावित्री उनके प्राण भी वापस लाती है। राधा जो हम हमेशा उन्हें प्यार का प्रतीक मानते हैं। राधा श्री कृष्ण की पत्नी नहीं है पर फिर भी हम लोग हमारे देश में पहले जब श्री कृष्ण का नाम आता है तो राधा श्री कृष्ण ऐसे हम कहते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी का नाम नहीं लेते पर हम यहाँ पे राधा का ही नाम लेते हैं। फिर तो ऐसे जैसे अहल्या जो इतनी पवित्र स्त्री थी कि इनके साथ इंद्र ने छल किया था और उनके कारण उनके पति ने उनको श्राप दिया था। जो पत्नी गौतम ऋषि की पत्नी थी और इतनी सुंदर थी कि इंद्रदेव जो थे वो उनके ऊपर आसक्त हो जाते हैं और वो उनका रूप लेकर उनके पास आ जाते हैं। तब ऋषि गौतम ने उनको गुस्से में आकर उनकी पत्नी को श्राप दे दिया था और वो शिला बन गई थी। पर जब राम भगवान उन्हें जब स्पर्श करते हैं तो वो वापस शिला में से वापस वो लेडी बन जाती है। वापस जो जैसी थी वैसी पवित्र लेडी बन जाती है। तो यहाँ पे इसीलिए कवि कहते हैं कि इसीलिए मुझे मेरी जन्मभूमि जो है वो मुझे बहुत ही प्यारी है। वो मुझे स्वर्ग से भी सुंदर लगती है। शांति निकेतन जहाँ तपोवन ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनि गण। चित नभ में करते थे विचरण जहाँ सत्य की किरणें बरसी।
तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि शांति निकेतन, यानी कि शांति जहाँ पे हमें शांति मिलती है वह आश्रम जहाँ तपोवन, तपोवन यानी कि जहाँ पे ऋषि लोग तप करते हैं, ध्यान अवस्था में बैठते हैं, तो के ध्यानावस्थित में होकर वो मंत्रोच्चार करते, चीत यानी कि चेतना, और युद्ध जर्जर यानी युद्ध के कारण कमजोर। तो के जहाँ के तपोवन शांति के घर है, उसी तपोवन में ऋषि मुनि गण ध्यान मग्न रहा करते हैं। जिस जन्मभूमि के विशाल नभ में ऋषि मुनि की चेतना विचरण किया करती थी, उसी नभ से सत्य की किरणें नित बरसा करती है। आज युद्ध जर्जर जग जीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी, जननी जन्म भूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गाधिपति चिर गयसी गरीयसी। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि आज जो वातावरण है वो कैसा है, युद्ध के कारण कमजोर है, तो के फिर भी हमारे वसुधा यानी कि पृथ्वी और कुटुंबकम यानी कि हमारा परिवार और नवल यानी कि नई लोगों में आज नई चेतना भरनी है कि भाई कुटुंब वसुदेव कुटुंबकम के पूरा विश्व जो है वो मेरा परिवार है। भले उस हमारे देश में अलग अलग लोग रहते हैं पर फिर भी वो हमारे भारत देश के वासी है और वो हमारा परिवार है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं आज उसी देश की धरती का जनजीवन युद्ध के कारण जर्जर और कमजोर हो गया है, इसे मजबूत बनाने के लिए लोग पुनः वेदों के मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ऐसी मातृभूमि पर फिर से वसुदेव कुटुंबकम की भावना का प्रचार प्रसार भी होगा, इससे जन्मभूमि के मुखमंडल पर नई चमक छा जाएगी। इन विशेषताओं के कारण कवि को अपनी माँ और जन्मभूमि दोनों ही प्रिय है, जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए लास्ट में कवि ने कहा है कि जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी, तो के वो स्वर्ग से भी सुंदर है, जैसे हमें अपनी माता प्रिय है वैसे हमारी जन्मभूमि भी कवि कहते हैं मुझे प्रिय है। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा स्वाध्ययन कार्य है शब्दार्थ स्वाध्याय, उसमें है प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सेकेंड नंबर है प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। थर्ड नंबर प्रश्न के दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए। फोर्थ नंबर प्रश्न के चार पांच वाक्य में उत्तर लिखिए। फाइव नंबर में है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, और सिक्स नंबर में है शब्द के समानार्थी शब्द लिखिए। स्टूडेंट, मैं जो आपको यहाँ पे पीपीटी में भी आपको होमवर्क लिखाती हूँ, राइट, तो उसको आपको लिखना है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे लेसन हो जाता है आप लिख लो, क्योंकि लिखोगे उतना कम रहेगा, माहौल आपको भी पता नहीं है मुझे भी पता नहीं है कब क्या हो जाए, अगर बोर्ड की एग्जाम अगर स्कूल से भी लेना पड़े तो आपको ये सब सबमिट करना पड़ेगा, उसको अब मैंने आपको पहले ही बोला है, उसका आपको मार्क भी मिलेगा। इस टाइम का सिचुएशन कैसा है आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती हूँ, इसलिए मेहरबानी करके प्लीज आप पहले से ही जैसे ही लेसन हो जाता है आप वर्कबुक जो है वो वर्कबुक में पूरा कंप्लीट करो, और जो ग्रामर पार्ट है वो ग्रामर पार्ट आप नोटबुक में लिख लो, क्योंकि वर्कबुक का भी मार्क्स अलग मिलेगा और नोटबुक का भी मार्क्स अलग मिलेगा। इसलिए मेहरबानी करके जब भी मैं आपको जो लेसन पढ़ाती हूँ उसके बाद जो भी आपको वर्क देती हूँ वो भी आप लिख लीजिए, और लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बहुत ही काम आएगा, क्योंकि लिखोगे नहीं तो आप बोर्ड की एग्जाम में भी नहीं लिख पाओगे। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि एक आप टीचर मानो या टीचर पेरेंट्स मानो तो पेरेंट्स, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको हमेशा लिखना है सब सब्जेक्ट को। और आपको पता है सब सब्जेक्ट वाले टीचर्स आपको पीपीटी बना के आपको सॉरी ये आपको पीडीएफ बना के आपको होमवर्क भी मंगवाते हैं, पर मैं आपको पीडीएफ बना के होमवर्क नहीं मंगवाऊंगी,
मैं आपको नोटबुक ही कब मैं आपको डेट दे दूंगी, उसमें नोटबुक कलेक्ट कर लूंगी, उससे नोटबुक और वर्कबुक का दोनों का मार्क्स में रख दूंगी। इसलिए मैं आपको पीडीएफ नहीं मंगवाते हूँ। आप सोचते होंगे श्वेता टीचर क्यों नहीं मंगवाते हैं, पर ये कंपलसरी आपको नोटबुक और वर्कबुक कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।